में काले काले रंग के धब्बे पड़े होते हैं। कितनी बार वर्षा हुई होगी और होगी और होती रहती है, लेकिन अनादिकाल से हो रही वर्षा भी चंद्रमा की कालिक को मिटा नहीं पाती है। वैसे ही हम लोग हैं, जीवन में साधन भजन बहुत करते हैं पर ममता का त्याग नहीं कर पाते, ममता का त्याग नहीं हो पाता। ममता तू न गई मेरे मन दे, तन था के कर कांपन लागे, लाज गई लोकन दे ममता तू न गई मेरे मन दे। शरीर भी साथ छोड़ रहा है, वृद्ध हो गए, शरीर कहाँ पर है, शिथिल हो गया है, शक्ति नहीं रही है, पर शरीर में शक्ति भले ही ना रहे पर ममता में बहुत ताकत रहती है। बुढ़ापे में भी ममता में ममता बड़ी बलशाली होती है, बहुत बलवती होती है। बेटे से ममता गई तो फिर नाती पोते में मूल से ज्यादा ब्याज से प्रेम हो जाता है, वही दिखाई पड़ रहा है और कुछ नहीं। छोड़ना ही नहीं चाहते, मृत्यु हो जाए पड़े पड़े वही स्थिति है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू ना तजे अब ही ते। हम न चाहें भले ही छोड़ना, पर छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे मृत्यु सब छुड़ा देगी। विदुर जी ने ऐसा उपदेश दिया है धृतराष्ट्र को, वैराग्य हो गया, सब छोड़ छाड़ के वे कर्म भजन किए हैं और उसके पश्चात एक दिन पांडवों ने जब सुना है भगवान ने स्वर्गारोहण किया है, श्री ठाकुर जी धाम गमन किए हैं, पांडवों ने भी स्वर्गारोहण कर लिया, परीक्षित जी को राज्य गद्दी प्राप्त हुई और सूत जी महाराज शनक जी की जिज्ञासा पर परीक्षित जी ने कैसे कलयुग का दमन किया है उस विषय में बता रहे हैं। एक बार परीक्षित जी ने सबसे प्रथम अत्याचार जब गौ वंश पर हुआ है, परीक्षित जी सह नहीं पाए, कलयुग का दमन करने के लिए दौड़े, कलयुग परीक्षित जी के शरणागत हो गया। तब कलयुग के मांगने पर परीक्षित जी ने उसे चार स्थान प्रदान किए, द्यूतम पानम स्त्रीय सूना यत्रा धर्मश चतुर्विदा, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदरा पान की जाती हो, जहाँ विषय की चर्चा होती हो, जहाँ हिंसा होती हो, और पांचवा स्थान स्वर्ण के रूप में दिया। इसलिए वैष्णव मात्र को इन पांचों चीजों से बचना चाहिए, भूल कर भी इन पांचों चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। द्यूत क्रीड़ा, विषय चर्चा, हिंसा, गलत अभक्ष खान पान, इन सब चीजों से हर वैष्णव को बचना चाहिए। और पांचवा स्थान स्वर्ण के रूप में, स्वर्ण जो धातु होती है वो रजोगुण उसमें होता है, राजस होता है, इसलिए राजसी तामसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें कलयुग का निवास होता है। तो स्वर्ण से मतलब स्वर्णिम धातु तो है ही, इसके अलावा अन्याय से अर्जित धन जो है उसमें कलयुग का निवास होता है। एक बार कबीरदास जी महाराज अपने बेटे कमाल के साथ जा रहे थे, तो अचानक जब जा रहे थे तो मार्ग के मध्य उनको सोने की मोहरों की थैली दिखाई पड़ी। कबीरदास जी ने कहा बेटा पीछे हटो, डायन बैठी है, डायन बैठी है। कमाल ने कहा पिताजी ये कैसी डायन, आप क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी बोले बेटा अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ, अभी पता चल जाएगा ये डायन कितने को खाने वाली है। तो दोनों पिता पुत्र एक वृक्ष की आड़ में बैठ गए। तब तक वहां राजा के दो सिपाही आए, कबीरदास जी ने उनको भी सावधान किया भैया वहां मत जाओ डायन बैठी है। सिपाहियों को तो मद तो रहता ही है, राज सिपाही थे, चले गए। मार्ग में जब मोहरों की थैली देखी, आपस में बोले देखा कितना ये चालाक था, मोहरों की थैली हम ना उठा लें इसलिए डायन डायन कह रहा था। तो अब दोनों को जब दृष्टि पड़ी तो दोनों सोचने लगे अब हम दोनों आधी आधी मोहर इसमें से बांट लेंगे,
भूख बहुत लगी थी, एक बोला मैं इसकी रक्षा करता हूं, तू जाके बाजार से कुछ मिष्ठान खरीद ला। तो जो रखवाली में बैठा था वो सोच रहा था कि जैसे ही ये आएगा तो मैं इसको उसी समय शस्त्र से मार डालूंगा। और जो मिठाई खरीदने गया था उसने लड्डू खा लिए, सोच रहा है अगर इसको लड्डू में जहर दे दूं तो ये तो मर जाएगा, सब मोहरे मेरी हो जाएंगी। तो वो कुछ लड्डू विषैले बनवा कर लाया, जहर के लड्डू। अब वो अपना वही बंदूक तैयार करके बैठा था, ये आएगा मैं इसे मार दूंगा, मेरी हो जाएंगी मोहर। अब उसने कैसी बुद्धि भ्रष्ट की, जैसे ही वो लड्डू लेकर पहुंचा तो जो रक्षा में बैठा था उसने तुरंत दबाया घोड़ा और जो बंदूक थी गोली निकली और वो समाप्त हो गया। अब सोच रहा चलो अब तो मोहर मेरी है, पहले लड्डू खा लिए जाएं तब फिर मोहर लेके चलेंगे। और लड्डू में जहर था, लड्डू खाया तो वह भी मरा। कबीरदास जी बोले देखा कमाल, अभी तो डायन दो को खा गई है, अभी न जाने कितनों को खाएगी, भाग चलो यहां से। और लेके कमाल को वहां से भाग गई। वस्तुतः अदीर्घ बोध है हम लोग, दीर्घ बोध नहीं है। केवल मन को प्रिय लगने वाली, अच्छे लगने वाली वस्तु जिनका दुष्परिणाम क्या हो सकता है वहां तक हम लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। इसलिए इन चीजों से कभी हेय बुद्धि नहीं होती है, कभी छोड़ने की इच्छा नहीं होती, त्यागने की इच्छा नहीं होती। श्री हरिराम व्यास जी महाराज थे, जब समय इनकी स्त्री सब छोड़ छाड़ के आ गई, एक दिन पंगत हो रही थी सब संतों की, दूध परोसा जा रहा था, गलती से व्यास जी के कटोरे में दूध के साथ मलाई गिर गई। व्यास जी ने कहा अच्छा इतना संतों से भेद करती हो, अपने पति के कटोरे में तो दूध के साथ मलाई भी डाल दी और संतों को कोरा दूध, जाओ आज से हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। परम सती स्त्री थी, वृंदावन के सब संत खड़े हो गए, महाराज आप ऐसा न करें, इन्होंने आपके लिए ओरछा छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आप इनको छोड़ देंगे तो इनकी भक्ति में व्यवधान हो जाएगा। हरिराम, क्योंकि राज माता थी, हरिराम व्यास जी राजगुरु थे और वे उनकी पत्नी थी, राजमाता थी, तो राजा के बराबर इनके पास अपार वैभव धन स्वर्ण आदि था। वो व्यास जी को सदा मन में खटकता रहता था। व्यास जी ने कहा एक ही शर्त पर स्वीकार कर सकते हैं, इनके पास जो भी धन है, स्वर्णाभूषण है, द्रव्य है, सब बेच के संतों की सेवा करा दें तो हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। पर वे परम सती स्त्री थी, किसी वस्तु से कोई मोह तो उनको था नहीं, उसी समय सब द्रव्य आभूषण बेच बाच दिए, संत सेवा में लगा दिए, तब व्यास जी ने उनको पुनः स्वीकार किया। क्योंकि रजोगुण जिन वस्तुओं में है वो चित्त में कभी भी विक्षिप्तता पैदा कर सकता है, वो कभी भी चित्त में राजस पैदा कर सकता है। अब जरासंध का मुकुट धारण करके परीक्षित जी गए, उनके मस्तिष्क पर कलयुग चढ़ बैठा। चलो परीक्षित जी तो जन्मसिद्ध भक्त थे, परीक्षित जी को शाप लगा वो तो एक नाटक था, क्योंकि परीक्षित जी को शाप ना होता परीक्षित जी कथा सुनने आमरण अनशन लेके क्यों बैठते, क्यों सुखदेव जी आते। परीक्षित जी को जो शाप लगा उससे तो संसार को एक कथा कथन और श्रवण की परंपरा मिली, लोग कथा कहने और सुनने की परंपरा संसार में चली। पर परीक्षित जी जैसे जन्मसिद्ध भक्त राजर्षि के ऊपर भी जब कलयुग अपना दुष्प्रभाव दिखा सकता है तो हम तुम किस गिनती में। शाप लगा है, शमीक ऋषि का उन्होंने अपराध किया था, मृत सर्प गले में डाल दिया, श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, तक्षक दंशन से परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित जी महाराज उसी समय आए हैं, आमरण अनशन लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे हैं और परीक्षित जी को कृतार्थ करने के लिए स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और श्री सुखदेव जी महाराज जिस समय पधारे हैं, परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर उनका आतिथ्य दिया है, उनका सत्कार किया है और एक ही प्रश्न उनसे किया है, पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, हर मनुष्य को मरणासन्न जीव को क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। और एक पंक्ति में सुखदेव जी ने उत्तर दिया है, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताभ्यं, ठाकुर जी का नाम गुण कीर्तन सुनो और उसी को चर्चा करो और उसी का बैठकर स्मरण करो, और कोई
चौथी चीज नहीं कही। राम ही सो मिरिए गाइए राम ही, राम ही सो मिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिया राम गुण राम ही, संतत सुनिया राम गुण स्मरण किया जाए, मरणासन्न जीव का एकमात्र कर्तव्य है नाम का आश्रय। और विशेष रूप से भाई कलिकाल में उत्पन्न जीवों को तो नाम का आश्रय ले ही लेना चाहिए। जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति, जीवन का परम लाभ इसी में है कि अंतिम समय में ठाकुर जी की स्मृति हो जाए, भगवान की याद आ जाए। और मरणासन्न स्थिति में उसी वस्तु का चिंतन होता है जिसमें जीते जी अधिक लगाव होता है। जब जीते जी नाम के स्मरण का अभ्यास होगा तब ना मरते समय नाम की स्मृति होगी। शास्त्रों में भाई कुछ वाक्य ऐसे हैं जो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत बड़ा आधार बन जाते हैं, बहुत बड़ा आधार। प्रायः जीवन भर किसी ने नाम लिया, नाम साधना जीवन भर की, और कई बार बड़े बड़े भक्तों की वैष्णवों की भी ऐसी स्थिति देखी जाती है, कहो तो मूर्छित अवस्था में प्राणांत हो गया, कहो तो कोई दुर्घटना हो गई वहाँ प्राणांत हो गया, अब उनको नाम स्मरण कीर्तन का समय ही नहीं मिला। तो ऐसे समय में उनकी क्या गति होती है। वारा पुराण आदि वारा पुराण का वाक्य है, भगवान का वाक्य है, स्वयं श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, कफ वातादि दोषेण मद भक्तो माम न संस्मरेत, अहम स्मरामि तद भक्तम नयामि परमां गतिम। मान लो किसी कारणवश वह जीव मेरा स्मरण मरते समय नहीं कर पाया, कौन सा, जिसने जीते जी को स्मरण किया था, मान लो मरते समय वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया, तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी जगह से मैं अपना स्मरण स्वयं कर लेता हूं और उस जीव को अपने धाम में ले जाता हूं। ये कितनी बड़ी कृपा है, कितना ठाकुर जी का करुणा का स्वभाव है। हम स्मरण नहीं भी कर पाएंगे, ठाकुर जी हमारी ओर से अपना स्मरण खुद कर लेंगे। गीता जी में भगवान ने कहा है मेरे भक्त को भवसागर चल के पार नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं लगेगी। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा, मैं अपने भक्त को कंधे पे चढ़ा के भवसागर से पार कर देता हूं, उसको हाथ पांव चलाने की भी जरूरत नहीं है। इतनी कृपा है, इतनी कृपा, इतनी छूट है। उसके बाद भी यदि जीवन में दैनिक ठाकुर जी के स्मरण का या भजन सत्संग का नियम न हो तो इससे ज्यादा कृतघ्नता और इससे ज्यादा निम्नता दूसरी कोई नहीं हो सकती है। नयामी परमाम गति, मैं परम गति उसे दे देता हूं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे न वा। निद्रया ह्रियते नक्तम, संपूर्ण रात्रि सोने आदि में व्यतीत हो जाती है, दिन है कमाने खाने में चला जाता है, शेष समय सब व्यर्थ की वार्ता इधर उधर के हास परिहास गप निंदा चुगली में चला जाता है, पर भगवत स्मरण के लिए समय न हो इससे ज़्यादा आश्चर्य की बात और इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है। जिन तन दियो
नर देही दीनी सुमिरन को, जो शरीर मिला ही भजन के लिए था और भजन के लिए ही समय न हो। तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसलिए श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताव्यम्। खूब सुना जाए, खूब गाया जाए, खूब स्मरण किया जाए, चलते फिरते उठते बैठते। सबसे बड़ी विशेषता तो नाम में यही है कि नाम में कोई विधि निषेध नहीं है कि आप नहाकर ही लें, आप शुद्ध रूप से लें, आप आसन पर बैठकर मंदिर में आकर ही लें। अरे प्रण तो ऐसा होना चाहिए, प्रण अगर हो ना तो भगवान पूरा करते हैं। एक भक्तमाल जी में चरित्र है, एक भक्त हुए श्री हठीदास जी महाराज। इनका नाम हठीदास इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने नाम का हठ पकड़ लिया था। बस दिन रात राम 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 करते थे। तो जब इनको कभी भोजन भी करना होता तो कोई दूसरा आदमी बैठ के इनकी जगह राम राम करता तब भोजन करते थे। पानी भी पीना होता तो कोई दूसरा इनकी जगह बैठ के राम राम करता तब पानी पीते थे। ऐसा हठ पूर्वक भजन करते थे, प्रण पूर्वक भजन। तो जिसके लिए खाने पीने का समय जिसके पास नहीं है उसके पास फिर गप चुगली निंदा का समय कहाँ से रहेगा। एक दिन किसी गांव में पहुंच के, वहां गांव के लोग सब अपरिचित थे, नए लोग थे, तो किसी को पता नहीं था कि हठीदास जी का ऐसा नियम है। तो गांव वालों ने कहा महाराज प्रसाद पाई, अब महाराज तो राम राम कहने से फुर्सत मिले तो प्रसाद पावे। सुबह से संध्या हो गई, महाराज ये ले लें वो ले लें, तमाम प्रकार के कोई फल ला रहा है, कोई मिष्ठान्न, तो कोई कच्ची पक्की रसोई, तो कोई दुग्ध, कितनी चीज ला के रख दी, ये ना खावे ये खा लें, पर हठीदास जी तो राम 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 राम। 3 दिन 3 रात हो गए, शरीर दुर्बल हो गया। अब किसी को पता नहीं कि ये तब खाएंगे जब इनकी जगह बैठ के कोई नाम स्मरण करेगा। 4th दिन साक्षात राम जी को ही आना पड़ा और स्वयं रघुनाथ जी आए दूध लेकर। और रघुनाथ जी ने हठीदास जी को कहा हठीदास जी अब आप दूध पी लें, हम स्वयं राम राम करेंगे। तो राम जी आए और राम जी ने आके हठीदास जी की जगह राम राम जी अपना भजन कर रहे हैं, राम जी राम 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 कर रहे हैं और हठीदास जी दूध पी रहे हैं। प्रण हो तो सही है, भगवान निभा देते हैं, कोई न निभाए भगवान निभा देते हैं। ऐसे प्रण पूर्वक भजन होना चाहिए। और फिर 24 घंटे में से आधा घंटा और 1 घंटे के लिए भी ठाकुर जी के नाम स्मरण के लिए समय न हो तो ये तो एक बहुत बड़े कलंक की बात है, नीचता है। मौसम कौन कुटिल खलखामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। ये तो नमक हराम पना है। भगवान ने जो शरीर दिया, जिसने दिया, जिसके लिए दिया और उसी के लिए समय न हो, यह मौसम कौन कुटिल खलखामी, ये कुटिलता है, नीचता है। इसलिए जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, ठाकुर जी की अखंड स्मृति बनी रहे, यही जीवन का परम लाभ है, परम लाभ। बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी की जिज्ञासा का समाधान किया है और उसके पश्चात द्वितीय स्कंध में परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी ने सृष्टि विषय चर्चा की है। एक बार ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि निर्माण का आदेश दिया, ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और ब्रह्मा जी की जिज्ञासा पर वहां भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोक की भागवत का उपदेश दिया, जिसके 4 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में भगवत तत्व, दूसरे श्लोक में माया तत्व, तीसरे श्लोक में भक्त तत्व और 4th श्लोक में भक्ति तत्व का निरूपण किया गया है। भगवत तत्व क्या है, जो सृष्टि के पूर्व भी था, सृष्टि के बाद में भी रहेगा और सृष्टि काल में भी रहता है, यानी जो तीनों कालों में जिसकी विद्यमत्ता रहती है वो भगवत तत्व है। माया तत्व क्या है, जो भगवान के आने पर दिखाई नहीं पड़ती है और जिसके जो दिखाई पड़ रही है इसका मतलब वहां भगवान नहीं है। भगवान के आने पर जिसका पूर्ण रूप से तिरोभाव हो जाता है वो माया तत्व है। एक भक्तमाली में एक भक्त हुए हैं श्री चतुरदास जी महाराज, जिनका बाद में नाम खोजी भक्त हुआ।
एक बार ये बड़े गुरु भक्त थे, बड़े गुरु निष्ठावान। एक बार इनके गुरु जी लघुशंका कर रहे थे और लघुशंका करते करते हंस रहे थे। चतुरदास जी महाराज पानी लेके खड़े थे, जब गुरु जी हाथ धोने को हुए तो इन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप लघुशंका करते हुए क्यों हंस रहे थे? गुरुदेव ने कहा, चतुरदास जी जब आप गुरुदेव के मन की बात नहीं जान पाए तो आप गुरु जी की सेवा क्या करेंगे? अब तो हम आपसे तभी सेवा कराएंगे जब आप हमारे मन की बात जान लोगे। अब आप ये बात कहीं से पता लगा कर आए कि हम क्यों हंस रहे थे? तो चतुरदास जी अब तो पूरी उनका तीर्थ भ्रमण आरंभ हो गया, जगह जगह जावे सबसे पूछें हमारे गुरुदेव लघुशंका करते हुए क्यों हंस रहे थे। अब लोग इनको पागल कहें, मूर्ख कहें, कोई भागवत का प्रश्न, गीता का प्रश्न, रामायण का प्रश्न हो तो बतावें भी, ये कैसा अजीब प्रश्न करता है, गुरु जी लघुशंका करते हुए क्यों हंस रहे थे? तो लोग इनको पागल कह के भगा देते थे। तो सब जगह घूम लिए, कहीं इनको अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। आखिर में चतुरदास जी ने सोच लिया, अब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि ऐसा जीवन, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, गुरु जी सेवा में नहीं रखेंगे, और जो सेवा विहीन जीवन हो उसको रख के क्या करना। तो जल भोजन सब छोड़ छाड़ दिया, 3 दिन हो गए। एक दिन कबीरदास जी महाराज इनके पास आए। कबीरदास जी के चरणों में गिरकर चतुरदास जी ने कहा, हे भगवान आप कृपा करके क्या मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? क्या प्रश्न है भाई? बोले मेरा प्रश्न है कि हमारे गुरुदेव लघुशंका करते समय हंस क्यों रहे थे? तो कबीरदास जी 2 मिनट मूक हुए और उन्होंने कहा, चतुरदास जी आपके गुरुदेव जब लघुशंका कर रहे थे तो लघुशंका के उस जल में वट वृक्ष का बीज तैर रहा था। तो आपके गुरुदेव सोच रहे थे कि वट वृक्ष कितना सुस्थिर होता है, कितना अचल होता है, और जब तक वो बीज उस वृक्ष में रहता है तब तक वह भी अचल होता है, और उस वृक्ष से अलग होते ही वह बीज मूत्र के जल में पड़ा हुआ है, तैर रहा है, मलमूत्र में पड़ा है, नाच रहा है। तो भगवान जो है वो वट वृक्ष की तरह सुस्थिर है और ये जीव उस बीज की तरह है। जब तक ये वृक्ष पर रहता है तब तक तो शोभित होता रहता है, और जहां ये भगवान से अलग हुआ तो इसको माया में, मोह में नाचना पड़ता है, इसको विषय में, मलमूत्र में भटकना पड़ता है। तो एक इस छोटी सी घटना से उन्होंने इतना बड़ा सिद्धांत उनको समझ में आया, इसलिए आपके गुरुदेव हंस रहे थे। अब तो ये इतने प्रसन्न हुए, मुझे प्रश्न का उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। दौड़ के गए गुरु जी के पास, गुरुदेव मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, आप क्यों हंस रहे थे मुझे पता चल गया। गुरु जी ने कहा, क्यों हंस रहे थे बताओ? बोले, विटप वृक्ष के बीज में अटक गया मन धीर। आपका लघुशंका करते हुए वट वृक्ष के बीज में मन अटक गया था। आप सोच रहे थे कि जब तक बीज वृक्ष पर रहता है तो कितना शोभित रहता, अचल रहता है, और वृक्ष से अलग होते ही वह बीज मलमूत्र में उसको जाना पड़ता है। तो वैसे ही जीव जब तक भगवत शरणागत है तब तक वो सुस्थिर है, वो सुशोभित है, और जब जीव भगवान से अलग हो जाता है तो उसे माया मोह के जल में, मलमूत्र में, विषय में उसको भटकना पड़ता है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है चतुरदास जी, आपने हमारे प्रश्न का सही उत्तर दिया। उस दिन से उनका नाम खोजी भगत हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी बात की खोज उन्होंने की, गुरु जी क्यों हंस रहे थे उसकी खोज कर ली। तो उस दिन से चतुरदास जी का नाम खोजी भगत हो गया। और इतने सिद्ध भक्त थे, इनके गुरुदेव ने कहा था कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, और भगवान से जब हमारा मिलन होगा तो अपने आप आकाश से घंटाओं की ध्वनि आने लगेगी, घंटे बजने लगेंगे। तो गुरु की वाणी पर, वाक्यों पर इनकी अटूट निष्ठा थी। तो एक बार इनके गुरुदेव का शरीर छूट गया, ये उस समय आश्रम में नहीं थे, कहीं बाहर तीर्थ यात्रा पर गए थे। जैसे ही संदेश मिला तुरंत आश्रम में पहुंचे। 3 दिन हो गए गुरु जी के शरीर का संस्कार नहीं किया गया था, क्योंकि ये संस्कार नहीं करने देते थे,
क्योंकि बार बार कह रहे थे, हमारे गुरुजी ने कहा था जब भगवत मिलन होगा तो घंटा बजेगा, अभी तक घंटा नहीं बजा, इसका मतलब अभी गुरुजी भगवान से नहीं मिले हैं और अभी गुरुजी ने शरीर नहीं छोड़ा, गुरुजी किसी ध्यान में है, इसलिए मैं गुरुजी का संस्कार नहीं होने दूंगा। 3 दिन हो गए, लोग कह रहे हैं पागल है, मूर्ख है, संस्कार नहीं करने दे रहा है। तो खोजी भगत थे ना, खोज बहुत करते रहते थे, तो जहाँ गुरुजी लेटे हुए थे ये वहीं लेट गए कि मैं देखता हूँ गुरुजी का अंतिम समय में अगर पधारे भी हैं तो इनका मन कहाँ गया होगा। तो जब लेटे तो जिस वृक्ष के नीचे गुरुजी लेटे हुए थे वो बेर का वृक्ष था, बेर का फल होता है ना, खाया जाता है, तो उस वृक्ष पर एक बेर का फल पका हुआ था। तो खोजी भगत समझ गए कि इसी बेर के फल में गुरुजी का मन अटक गया है, और क्योंकि भक्त है कोई भी अच्छी वस्तु देखेगा उसकी इच्छा होती है कि भगवान को ये अर्पित हो जाए। तो धाम जाते जाते बेर में मन अटक गया गुरुजी का, तो गुरुजी को वहां बेर का कीट बनना पड़ा, मिलन नहीं हुआ भगवान से, बेर का उनको कीड़ा बनना पड़ा। अब जब खोजी भगत ने उस बेर के फल को तोड़ा और तोड़ते ही वह जो कीट था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, और मृत्यु को प्राप्त होते ही जो गुरुजी की जीवात्मा थी वो भगवत मिलन उसका हो गया, और जैसे ही भगवत मिलन हुआ उसी समय घंटा और शंखनाद सब जोर जोर से ध्वनि होने लगे। तब इनको समझ में आया कि गुरुदेव का मन यहाँ अटक गया था। ऐसे खोजी भगत थे, गुरुजी के मृत्यु के अवसर पर कहाँ गुरुजी का मन गया है, कहाँ गुरुजी इस समय पहुंचे हुए हैं, वहां तक इनकी स्थिति थी। कहने का भाव यह है, चर्चा चल रही थी माया तत्व की, रिते अर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि, भगवान के रहते माया की अनुभूति नहीं होगी, और माया की अनुभूति हो रही है इसका मतलब भगवदानुभूति नहीं हो रही है। एक बार हमारे परम पूज्य बाबा महाराज, पूज्य गुरुदेव, जब नई नई उनकी 16 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था, माँ के इकलौते बेटे थे और फिर ब्रज के बाहर कभी नहीं गए, तो जिस समय आए थे तो संतों के पास, जो भी संत ब्रज में अच्छे भजनानंदी सिद्ध महापुरुष भजन करते थे उनके पास जाते थे और सबसे शिक्षा लिया करते थे। एक बार रमण रेती के पास एक महात्मा भजन करते थे, बड़ा उनका खूब अच्छा लंबा चौड़ा उनका शरीर था, उनको लोग हाथी बाबा कहते थे। तो जिस समय पूज्य महाराज जी उनके पास गए, जाकर प्रणाम किया, 16 वर्ष की नई अवस्था थी, तो उन्होंने, हाथी बाबा ने पूछा, कहो कहाँ से आए हो? बोले प्रयाग से आए हैं। तो कैसे आए? बोले भजन करने की इच्छा है महाराज, यहीं ब्रज में रहकर भजन करना चाहते हैं। तो कुछ पढ़े लिखे हो? तो यद्यपि पूज्य महाराज जी ने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, तो लेकिन फिर भी संतों के पास जाए तो कभी अपनी योग्यता बहुत नहीं कहनी चाहिए, ये एक मर्यादा होती है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, आप बताएं। तो बोले, अच्छा पढ़े लिखे नहीं हो तो तुमने गोपाल जी को देखा है? बोले बिल्कुल देखा है। तो क्या तुमने देखा? बोले उनके एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में वंशी है। तो इसका आशय समझते हो? तो पूज्य महाराज जी बोले, नहीं हम नहीं समझते, आप समझा दीजिए। बोले इसका आशय यह है, गोपाल जी कह रहे हैं या तो लड्डू ले ले या वंशी ले ले, लड्डू लेगा तो वंशी नहीं मिलेगी और वंशी लेगा तो लड्डू नहीं मिलेगा। यानी अगर लड्डू में लुढ़क गए, विषय पदार्थ में लुढ़क गए, तो फिर वंशी से मतलब ठाकुर जी का जो भक्ति रस है, माधुर्य रस है, वह नहीं मिलेगा। और यदि भक्ति रस चाहिए तो ये लौकिक विषय रस में कभी मत डूबना। वृंदावन में बहुत लड्डू लुढ़कते हैं, जगह जगह भंडारे भोज पंगत होते हैं, लड्डू में लुढ़क जाओगे तो तुमको गोपाल जी की वंशी नहीं मिल पाएगी। तो पूज्य बाबा महाराज प्राय सत्संग में ये अपनी बात बताते हैं कि एक सरल सी बात भाषा में, एक साधारण सी बात में कितना महत्वपूर्ण सिद्धांत उन महात्मा ने पूज्य श्री को दिया कि वास्तव में यदि माया में लुढ़क गए तो फिर श्री ठाकुर जी कहाँ हाथ लगेंगे। और जहां तुलसी, जहां काम नहीं राम, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कहो कैसे रहे रवि रजनी इकठा। जैसे सूर्य और अंधकार कभी एक साथ नहीं रह सकते, वैसे माया और भगवान का कोई संबंध नहीं। तीसरा
दूसरे श्लोक में भक्त तत्व का निरूपण किया। जैसे पंचतत्व जीव मात्र के भीतर भी है और बाहर भी है, वैसे ही भगवान जीव के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। इसलिए एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। मनुष्य को ये सर्वदा ये विश्वास रखना चाहिए, भगवान सर्वत्र हैं, सर्वदा हैं, सर्वकाल में हैं, सर्वदेश में हैं। ये मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए और श्री ठाकुर जी के अस्तित्व पर भरोसा हो जाए। जो जिसको भरोसा हो गया वो भागवत धर्म को समझ गया। हमको भरोसा नहीं होता है। बड़ा सुंदर चतुश्लोकी भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने किया है और इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ तक दूसरे स्कंद की कथा समाप्त हुई। 2 मिनट नाम संकीर्तन करेंगे और थोड़ी सी चर्चा होगी। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, yeah।
जय, नाम संकीर्तन महोत्सव की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे तृतीय स्कंद में श्री मैत्रेय जी और विदुर जी का परम पावन संवाद सुनने की परीक्षित जी ने इच्छा की है। विदुर जी का नाम सुनते ही सुखदेव जी का हृदय प्रेमावेश से भर गया। ऐसे प्रेमी भक्त हैं विदुर जी। प्रविवेशात्म सात्कृतम, जिनके घर को अपना घर मान के बिना बुलाए भी ठाकुर जी चले गए थे, उन परम भागवत परम प्रेमी विदुर जी महाराज के चरित्र को सुनते ही, उनके नाम चर्चा को सुनते ही सुखदेव जी के हृदय में एकदम प्रेम से पूरित हो गया। विदुर जी महाराज जिस समय बड़ी सभा में दुर्योधन ने अपमान किया है, सब छोड़ छाड़ के 36 साल के लिए तीर्थ यात्रा किए हैं। तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से और श्री उद्धव जी से विदुर जी का सत्संग हुआ। उद्धव जी से एक रात्रि सत्संग हुआ और मैत्रेय जी से उसके बाद गंगा जी के किनारे विदुर जी का सत्संग हुआ। विदुर जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया मैत्रेय जी से, भगवान हर मनुष्य संसार में सुख की कामना करता है पर उसका दुख ही बढ़ता है, क्यों? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी मनुष्य सुख की आशा में कर्म तो करता है पर सुख जहां है उस दिशा में कभी नहीं बढ़ता है। एक गोस्वामी तुलसीदास जी का पद है, ऐसी मूढ़ता आया मन की, ऐसी मूढ़ता आया मन की। इस मन की मूढ़ता देखो, परिहरि राम भरोस सुर सरिता आस कर तो ओस कण की। कोई प्यासा आदमी था, गंगा जी बह रही थी, गंगा जल नहीं पिया और सोच रहा है रात होगी ओस की बूंद पड़ेगी तब ओस चाट के प्यास बुझाऊंगा। तो ओस चाट कर प्यास बुझाने की आशा करने वाला मूर्ख नहीं तो क्या है? अरे बहते हुए गंगा जल को छोड़ के ओस की बूंद से प्यास बुझाना चाहते हो, इससे ज्यादा मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। परिहरि राम भरोस सुर सरिता, श्री ठाकुर जी का भरोसा गंगा जी को छोड़ना है और संसार का आसरा लेकर सुखी होना, ओस को चाटकर सुखी होना है। ओस चाटने से तो प्यास भी नहीं बुझेगी, मन भी तृप्त नहीं होगा, संसार के आश्रय से सुख भी नहीं मिलेगा, कष्ट भी दूर नहीं होंगे। और जहां सुख है गंगा जल को पी लेता तो प्यास भी बुझ जाती, कल्याण भी हो जाता, ठाकुर जी का आश्रय कर लेता तो लोक और परलोक दोनों ही बन जाते। लेकिन संसार का आश्रय लेकर अपने दोनों ही ओर का स्वार्थ हानि कर ली, सुख की दिशा में जीव नहीं बढ़ता है, ये दुख की बात है। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल कोटि दायक विश्रामा। सुख के धाम आनंद सिंधु श्री ठाकुर जी हैं, उनका चरण आश्रय छोड़कर संसार में सुख की आशा करना मूढ़ता है, मूर्खता है। मैत्रेय जी से श्री विदुर जी ने सृष्टि विषय प्रश्न किए हैं, कैसे भगवान सृष्टि बनाते हैं, बढ़ाते हैं, संहार करते हैं। विदुर जी की जिज्ञासा करने पर मैत्रेय जी महाराज ने संपूर्ण सृष्टि प्रकरण जो है वह समझाया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि विस्तार की आज्ञा की है,
सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका, 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, मन से 10 पुत्रों को जन्म दिया, फिर सृष्टि नहीं बढ़ी, अचानक शरीर के 2 भाग हो गए, जो स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, मनु और शत्रुपा ने भगवत भजन किया और उसके बाद ब्रह्मा जी ने मन से संकल्प किया, हे प्रभु आप पृथ्वी का उद्धार करें जिससे सृष्टि बढ़ सके। उसी समय श्री ठाकुर जी ने वराह रूप से ब्रह्मा जी के नासा क्षेत्र से जन्म लिया है और देखते देखते विशाल आकार धारण कर लिया। सब ऋषि गण जय घोष करने लगे, बोले शिवारा भगवान की जय। वराह रूप से अवतीर्ण होकर श्री ठाकुर जी ने पृथ्वी का उद्धार किया। स्वयं वो मनु से सृष्टि बढ़ी, जिनसे 3 कन्याएं और 2 पुत्रों का जन्म हुआ, आकुति, देवभूति, प्रसूति। ये 3 कन्याएं थी, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 2 पुत्र थे, जिनमें से देवभूति जी का विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र करदम जी से हुआ और करदम जी महाराज के यहाँ देवभूति मैया को उपदेश देने के लिए भगवान कपिल देव के रूप में आए। और श्री कपिल देव भगवान की जय। और कपिल देव और देवभूति मैया का जो संवाद है वो भागवत जी का एक तरह से सारांश संवाद है, बहुत दिव्य संवाद है। देवभूति मैया ने कपिल भगवान की शरण ली, हे प्रभु मैं विषयों से ऊब गई हूँ, अब और विषयों में रमण नहीं करना चाहती, आप कृपा करें मुझे आत्मकल्याणात्मक उपदेश दें। तब कपिल भगवान ने देवभूति माता को कहा है, माता जी कल्याण के लिए एक ही मार्ग सबसे प्रशस्त है और वह है आध्यात्मिक मार्ग, जिसका दूसरा नाम भक्ति मार्ग। आश्चर्य यह होगा है कि इस मार्ग हम लोग भक्ति भक्ति चिल्लाते तो बहुत हैं, पर आध्यात्मिक मार्ग है क्या इसे समझना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग में अत्यंत उपरत्रयत्र दुखस्य च सुखस्य च, सुख और दुख दोनों से उपरांता हो जाती है, न सुख का अनुभव न दुख का अनुभव। देखो सुख दुख का अनुभव करने वाला है मन, सुख दुख कोई परिस्थिति नहीं है, ये मन ही है जो सुख दुख परिस्थिति को बनाता है। जैसे वर्षा हुई, अब एक ही काम है वर्षा, वर्षा हुई, कुम्हार ने अभी अभी नए घड़े बनाए थे, किसान को देख के खुश हो गया, वाह प्रभु खेती सूखी जा रही थी, अच्छा हुआ पानी के रूप में बरस गए, बहुत आनंद आ गया। और जिस कुम्हार ने अभी अभी कच्चे घड़े नए मिट्टी से तैयार किए थे उसको मन में कष्ट हुआ, अभी बरसना था कि सब बड़े बनाए बर्तन हमारे नष्ट कर दिए। वर्षा एक ही क्रिया है, पर एक ने सुखी किया और एक ने उसको दुखी किया। वस्तुतः मन की अनुकूलता सुख है और मन की प्रतिकूलता ही दुख है, मन ही सुख दुख का भोग करने वाला है। अच्छा है कि यह मन श्री ठाकुर जी को समर्पित हो जाए, जिससे सुख दुख का भोग करने का इसको अवसर ही न मिले। लेकिन भगवान में समस्या ऐसी बात की है कि मन लगता नहीं, पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, सच बात तो यह है कि मन संसार में नहीं लगता है, जब भी लगेगा तो भगवान में लगेगा। संसार में तो मन लगता नहीं, भटकता है, आज शब्द में लगा फिर वहां से हटा, फिर रूप में लगा फिर हटा, फिर रस में लगा फिर रस से भी उग गया तो गंध में गया, गंध से भी उग गया तो स्पर्शज भोगों में गया। हमारा मन रोज दिन में सैकड़ों बार हटता है, आज वहां से मन हटा फिर उसमें घुसा, फिर हटा फिर उसमें घुसा फिर हटा। लगना इसको नहीं कहते, इसको भटकना कहते हैं। मन केवल लगने का स्थान तो केवल श्री ठाकुर जी हैं, केवल श्री भगवान हैं। ऐसा कोई उदाहरण बताओ कि मन भगवान में लग गया हो फिर हट गया हो, भगवान में लगने के बाद कभी हटेगा नहीं, पर संसार में रोज लगता और हटता देखा जाता है, इसको भटकना कहते हैं, ये लगना नहीं।
कपिल भगवान कह रहे हैं, यही मन यदि मुझमें लग जाए तो माताजी यही मोक्ष का खुला द्वार हो जाए, यही जीव को संसार से मुक्त कर दे, लेकिन मन मुझमें नहीं लगता। देवहूति मैया बोली, नाथ आप में मन लगाना कठिन है, ऐसी कोई जगह बता दो जहाँ आसानी से मन लग भी जाए और कोई समस्या भी ना हो। ठाकुर जी बोले, मुझ में न लगे तो मेरे जनों में मन लगा दो, मेरे भक्तों में मन लगा दो। और कैसा मन लगे, सएव साधुषु कृतो, ऐसा मन लग जाए, ऐसा मन लग जाए। कितने उदाहरण भक्तमाल जी में मिलते हैं, एक होडल के भक्त थे श्री लालदास जी महाराज, उनके घर में एक बार ये किसी संत के यहाँ भोजन के लिए गए तो उन वैष्णव ने इनको बड़े अच्छे से भोजन कराया, बहुत इनकी सेवा शुश्रूषा की। अब जाते समय देने को कुछ दक्षिणा नहीं थी तो उन्होंने क्या किया, अपने ठाकुर जी के जो बर्तन वर्तन थे ना, आरती का सामान, घंटा वंटा सब बेच बाच के और लालदास जी को दक्षिणा दी। उन्होंने कहा, महाराज आपके घर में तो कुछ व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही है, दक्षिणा आप कहाँ से ले आए। बोले, भगवान संत भगवान ठाकुर जी के सब जो पार्षद थे ना, सब बर्तन वर्तन सब बेच दिए। अरे तो आपने ये क्यों, ऐसा क्यों किया। बोले, प्रभु यदि मुझे आपकी सेवा के लिए भगवान को भी बेचना पड़ता ना तो मैं इनको भी बेच देता। भगवान से अधिक उनके जनों के प्रति प्रीति हो जाए, ऐसा मन भगवत जनों में लगना चाहिए। भक्तमाल जी में चरित्र है कुबाजी महाराज का, एक बार इनके घर में कुछ संत आए, इन्होंने अपनी स्त्री को कहा, देवी भोजन बना दो, घर में संत आए हैं। तो इनकी स्त्री, वो उसके अंदर वो भावना नहीं थी, बोली, अभी सर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए भोजन हमसे नहीं बनाया जाएगा, आपके घर तो रोज ही संत आते, कहाँ तक भोजन बनाऊंगी इनके लिए। तब तक क्या हुआ, उसका भाई आ गया उसके पीहर से, अब तुरंत उसका सर दर्द गायब, और उठ के खूब हलवा पूड़ी बनाने लगी। तो कुबा जी समझ गए कि ये तो दर्द वर्द कुछ नहीं था, ये संत सेवा करना नहीं चाहते। तो कुबा जी ने, उसने क्या किया, एक तो बाजरे की सूखे टिक्कड़ बना दिए और दूसरे हलवा पूड़ी बनाए कि संतों को तो ये बाजरे के टिक्कड़ खिला दूंगी और भाई को खूब हलवा पूड़ी जिमाऊंगी। कुबा जी ये सह नहीं सकते थे। कुबा जी ने क्या किया, घर में जो पानी का बर्तन था उसको फैला दिया। बोले, देवी पानी भर लाओ। उसको ये भय था कहीं मैं पानी भरने जाऊं और पीछे से ये गड़बड़ कर दें, उल्टा सीधा खिला दें तो बड़ी मेरी तो मेहनत खराब हो जाएगी। तो कुबा जी ने उसको पानी लेने के लिए भेज दिया और पीछे से जो सूखे टिक्कड़ थे वो उसके भाई को परोस दिए और खूब हलवा पूड़ी संतों को परोस दी। अब संत खूब जयकारा लगावें, खूब कीर्तन करें, अब कुबा जी को लग रहा है कहीं जयकारा ही न लगाते रहें, वो बीच में देवी आ न टपकें। कुबा जी बोले, महाराज कीर्तन बाद में कर लेना, पहले जल्दी प्रसाद पा लो। अब संत जब प्रसाद पाने लगे तो बीच में ही देवी जी आ गई। अब जैसे ही उसने देखा कि ये तो हलवा पूड़ी खा रहे हैं और भाई सूखे बाजरे के टिक्कड़ खा रहा है, तो उससे रहा नहीं गया और वो बोली, जो खाए सो गाय खाए। मतलब आप जो खा रहे हो ये गौ मांस खाने के बराबर पाप आपको लगेगा अगर खाओगे, ऐसी बात उसने कह दी। अब सब संतों ने वहीं भोजन को प्रणाम किया, उठ के चल पड़े। कुबा जी ने कहा, भगवान आप कहाँ चल दिए। बोले, आपकी पत्नी ऐसा कह रही है, जो खाए सो गाय खाए। तो कुबा जी बड़े चतुर भक्त थे, कुबा जी बोले, महाराज हमारे घर में जो भी संत आते हैं ना वो खूब गा गा के कीर्तन कर कर के खाते हैं, इनके कहने का मतलब है जो खाए सो गाय खाए, मतलब आप गा गा के खाइए, कीर्तन कर कर के खाइए। तो अब संत लोग खूब, अब तो राम कृष्ण की जय, चारों धाम की जय और कोठारी भंडारी की जय, खूब जयकारे लगावे, खूब कीर्तन करें और खूब हलवा पूड़ी खावे। अब उसका तो कलेजा जला जा रहा था, उसने बैठ के जाके रोने लगे। संतों ने कहा, कुबा जी आपकी स्त्री रो क्यों रही है। बोले, इसकी माँ मर गई है, इसका भाई इसको लेने के लिए आया इसलिए रो रही है, आप चिंता मत करो, आपको प्रसाद पाओ। तो अब वो तो क्रोध के मारे लाल हो गई और अपने भाई के साथ चली गई पीहर को। और कुबा जी महाराज ने खूब उन संतों को बढ़िया भोजन कराया, उनकी स्त्री ने इशारा किया, आपने हमारी नाक कटवा दी। तो कुबा जी ने इशारा किया, तेने तो हमारा गला ही काट दिया, हमने तो तेरी नाक ही काटी, तेने तो गला ही काट दिया। भाई को बाजरे के टिक्कड़, भाई को हलवा पूड़ी और संतों को बाजरे के टिक्कड़ तूने बनाए। बाद में कुबा जी की कृपा से उनकी स्त्री के जीवन में भी भक्तों के प्रति सेवा भावना जागी। कहने का भाव यह है
कि भगवान में यदि मन न लगे कोई चिंता की बात नहीं, उनके जनों के प्रति मन लगा दिया जाए। तस्मिन तस्जने भेदा भावात, भगवान और उनके जन अभेद हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और इस प्रकार से कपिल भगवान ने भक्त महिमा पर प्रकाश डाला है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि समय अपनी पूर्णता की ओर है। अभी कोई बात नहीं, 5 मिनट ऊपर हो जाएगा। तो रसिया हो या आरती करें, छोटा सा कट।